हेलो एवरीवन, वेलकम टू द व्यू स्पोर्ट्स कवरेज ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप। पहले राउंड के मैचेस खत्म हो चुके हैं और अब बारी है सेकेंड राउंड के मैचेस की। आज हम कवर करेंगे मैच बिटवीन कतार एंड सेनेगल। चलिए देखते हैं ग्रुप टेबल की। अगर हम ग्रुप टेबल देखते हैं, यहाँ पे दोनों टीम्स कतार और सेनेगल थर्ड और फोर्थ प्लेस पे है। बोथ हैव लॉस्ट देयर ओपनिंग गेम्स बाय 2 goals। लेट्स लुक एट द प्रीवियस रिजल्ट। सो लाइक आई सेड, कतार हैज लॉस्ट द फर्स्ट गेम ऑफ द वर्ल्ड कप 2-0 टू इक्वेडोर। ये बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस था कतार की तरफ से। दे पोस्ट नो थ्रेट इन द गेम एट ऑल एंड इक्वेडोर वन द गेम कम्फर्टेबली। सेनेगल का प्रीवियस रिजल्ट देखते हैं, उनका भी नतीजा कुछ वैसा ही था कतार जैसे। वो भी 2-0 हारे बट नेदरलैंड्स के साथ। बट एक मेजर डिफरेंस ये है कि दे प्लेड वेरी वेल थ्रू आउट द गेम एंड दे वर अनलकी टू लूज द गेम। दे शुड हैव एटलीस्ट गॉट अ पॉइंट फ्रॉम द गेम इफ नॉट ऑल थ्री। तो सेनेगल अब उम्मीद करेंगे कि पिछले गेम के अच्छे परफॉर्मेंस के बाद, इवन दो दे डिड नॉट गेट द रिजल्ट, इस गेम में दे विल पुट अप अ गुड शो एंड गेट द 3 points एज वेल। अब चलिए बात करते हैं प्रोबेबल लाइनअप की। कतार शुड लाइन अप इन अ 3-5-2। इनके गोलकीपर रहेंगे अल शीब, बैक थ्री में रहेंगे अल रावी, खूखी और हसन, मिडफील्ड 5 में विंग बैक रहेंगे मिगेल, मिडफील्ड 3 वुड बी हातिम, अल हेडोस एंड बुडियोफ एंड लेफ्ट विंग बैक रहेंगे अहमद, और फ्रंट 2 में इनके रहेंगे अकरम अफीफ और अली। सेनेगल की बात करें तो सेनेगल शुड लाइन अप इन अ 4-3-3, कीपर एडवर्ड बेंडी, बैक 4 में राइट बैक रहेंगे यूसुफ सबाली जो कि बहुत ही इंप्रेसिव थे अगेंस्ट नेदरलैंड्स। ही हैड अ ग्रेट गेम, ही बॉम्ब फॉरवर्ड एंड पोस्ट अटैकिंग थ्रेट एज वेल। डिफेंस में मेन मैन कुलीबाली, सीसे एंड जेकब्स एज अ लेफ्ट बैक। मिडफील्ड 3 में रहेंगे सार, नैम्फलीस मेंडी एंड इद्रिसा गे। मेंडी एंड गे हैड गुड गेम्स अगेंस्ट द नेदरलैंड्स एंड दे वुड लुक टू कंटिन्यू ऑन देयर फाइन परफॉर्मेंस। फ्रंट 3 में रहेंगे स्टार प्लेयर इस्माइल असार, इन द एब्सेंस ऑफ सादियो माने ही वुड लुक टू टेक ऑन द बैटन ऑफ सेनेगल्स मेन प्लेयर एंड बिल्ड ऑन हिज इंप्रेसिव परफॉर्मेंस फ्रॉम द फर्स्ट गेम। इनको सपोर्ट करेंगे फ्रंट लाइन में डिया और डियाटा। अब चलिए एक इंटरेस्टिंग ग्राफ देखते हैं विच इज डिनोटिंग द पेनल्टी बॉक्स टचेस। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सार है वर्सेज नेदरलैंड्स, ये उनके पेनल्टी बॉक्स टचेस है। ही हैड अ वेरी हाई नंबर ऑफ टचेस विच इज 8। और अगर आप ये ग्राफिक देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कितने थ्रेटनिंग पोजिशंस लिए हैं उन्होंने। ही हैड वन शॉट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉक्स एंड अ लॉट ऑफ टचेस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इन साइड द बॉक्स। सो दीज आर गुड पोजिशंस फॉर अ लेफ्ट विंगर टू टेक अप। और ये बताता है कि ये काफ़ी प्रॉमिसिंग पोजिशंस में है और ये आपको गोल्स और असिस्ट में इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कुछ क्रूशियल स्टैट्स। ये स्टैट्स है पिछले गेम के फ्रॉम फॉर बोथ द टीम्स। पहले हम टैकल्स और इंटरसेप्शन देखते हैं। फॉर कतार, इलामीन और अल हेडोस ने 3 टैकल्स और इंटरसेप्शन किए थे। बुडियाफ और मोहम्मद मुंतारी के 2 थे। अब्दुल हतेम और खूखी के 1 टैकल्स और इंटरसेप्शन थे। फॉर सेनेगल, यूसुफ सबाली, जैसे कि मैंने आपको कहा, ही हैड अ ग्रेट गेम लास्ट टाइम, 5 टैकल्स एंड इंटरसेप्शन। नैम्फलीस मेंडी हैड 4 और इस्माइल असार के 3 टैकल्स और इंटरसेप्शन भी थे। चांसेस क्रिएटेड की बात करें, अल हेडोस, अब्दुल करीम हसन, अक्रम अफीफ और अल रावी, इलामिन सबके 1 चांसेस क्रिएटेड थे फॉर कतार इन द प्रीवियस गेम। फॉर सेनेगल, स्टार इज द मेन मैन, 4 चांसेस क्रिएटेड। सबाली, यहाँ पे भी इनका नाम है, जैसे कि आपने देखा टैकल्स में भी ये थे, यहाँ पे भी उनका है 3 चांसेस क्रिएटेड। जेकब्स, डियाटा, कोलीबाली और मेंडी के भी 1 चांसेस क्रिएटेड हैं। अब चलते हैं हम फैंटेसी कॉम्बिनेशंस की तरफ। पहले हम देखेंगे एक सेफ हेड टू हेड कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन में हम लाइन अप कर रहे हैं 4-3-3 में। गोलकीपर है अल शीब, बैक 4 में रहेंगे कोलीबाली, सबाली, पेड्रो मिगेल एंड जेकब्स। सबाली हमने वाइस कैप्टन बनाया है बिकॉज ही हैड अ वेरी गुड गेम लास्ट टाइम अराउंड। इनके नंबर्स बहुत अच्छे हैं और सेनेगल के डिसेंट चांसेस है क्लीन शीट के, इसीलिए हमने सेनेगल के 3 प्लेयर डिफेंस में लिए हैं और एक वाइस कैप्टन ऑप्शन सी भी रखा है। मिडफील्ड 3 में गे, मेंडी एंड अल हेडोस है। गे एंड मेंडी हैड गुड गेम्स द लास्ट टाइम, दे हैव द पोटेंशियल टू गो फॉरवर्ड, थोड़ा बॉक्स टू बॉक्स खेलते हैं। और अल हेडोस हैज़ वेरी गुड टैकलिंग इंटरसेप्शन स्टैट्स एंड ही कैन गिव यू पॉइंट्स इन पासिंग एज वेल। फ्रंट 3 की बात करें तो इस्माइल असार इज द स्टार मैन, ये आपके स्टैंड आउट कैप्टनसी पिक है फॉर दिस गेम, सपोर्टेड बाय अकरम अफीफ एंड डिया। अगर हम एक स्मॉल रिस्क टीम की बात करें तो इधर हमने बैक किया है सेनेगल डोमिनेंट विन विद अ क्लीन शीट, जहां पे 1-0 या 2-0 स्कोर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो क्लीन शीट अगर आ गया तो आपके पास फुल कवरेज है ऑफ द सेनेगलीज डिफेंस इंक्लूडिंग द गोलकीपर। सबाली हमने कैप्टन बनाया बिकॉज
वो आपको शायद एक असिस्ट और टैकलिंग पॉइंट्स तो दे ही सकते हैं। वाइस कैप्टन है इस्माइल असार, जैसे कि मैंने कहा बहुत ही अच्छे पोजिशंस में थे लास्ट गेम एंड गोल्स करने की बहुत पोटेंशियल है इनमें, सपोर्टेड बाय डिया एज वेल। अगर सेनेगल सेकेंड गोल मारता है, डिया हैज द पोटेंशियल टू गिव यू अ गोल और असिस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑल्सो। फ्रॉम द कतार साइड वी हैव टेकन अल हेडोस, हातेम, बुडियाफ एंड अक्रम अफीफ। दैट इज इफ कतार पुट अप अ फाइट एंड इफ दे स्नीक अ गोल इन द इवेंट, ये आपको अच्छे पॉइंट्स दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू व्यू स्पोर्ट्स। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस गेम।